हेलो दोस्तों, मैं सीमा, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मखनी दाल। यहाँ मैंने 1 कटोरी दाल ली है और 4 चम्मच के करीब राजमा लिया था जो मैंने रात को भिगो लिया था। इसको रात को ही भिगोना है, तभी हमारे ये अच्छे से दाल बनेगी। अब इसमें हम 4 कटोरी के बराबर पानी डालेंगे, 1 स्पून हल्दी, नमक डालकर इसमें हम 4 सीटी तेज गैस पर लगवाएंगे और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। यहाँ हम 1 स्पून घी डालेंगे, बटर बाद में डालेंगे, थोड़ा सा बटर पिघल देंगे, ले देंगे अच्छे से, मेल्ट हो जाएगा। गरम हो चुका है, 1 स्पून जीरा डाल देंगे, अच्छे से चटकने देंगे, 1 स्पून देगी मिर्च, ये तीखी नहीं होती है लेकिन कलर काफी अच्छा आता है। यहाँ 1.5 इंच मैंने अदरक लिया था और 4-5 कलियां लहसुन की, इसको अच्छे से कूट लिया है, इसको ऐड कर देंगे और यहीं 1 प्याज को मैंने काट लिया था, चॉप कर लिया था। प्याज ऑप्शनल है, आप प्याज इसमें स्किप भी कर सकते हो और डाल भी सकते हो। यहाँ मैंने 1 छोटी प्याज का यूज किया है बस। लो टू मीडियम आंच पर ही हम इसको पकाएंगे। 2 हरी मिर्च जिसको हमने काट लिया था, 4 टमाटर लिए थे जिसकी प्योरी बना ली थी, ऐड कर देंगे। अभी इस स्टेज पर हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने दाल को बॉईल करते हुए भी डाला हुआ है। अच्छे से पकाएंगे इसको जब तक इसमें घी दिखाई ना देने लगे। घी दिखाई देने लगेगा तब तक ही हमें इसे पकाना है। 1 स्पून के करीब गरम मसाला ऐड कर देंगे। काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनती है मखनी दाल, सर्दियों में तो इसको जरूर बनाना बनता है। काफ़ी कम सामान में हमारी मखनी दाल तैयार हो जाती है और टेस्टी भी बहुत अच्छी बनेगी इस तरह से आप बनाएंगे। यह मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हो इसमें घी दिखने लगा है अच्छे से, इससे पता चलता है कि मसाला अच्छे से पक चुका है। अभी हम यहाँ दाल को ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हो कितना गजब का कलर उठ के आ रहा है, रेडिश जैसा कि ढाबा
स्टाइल दाल होती है, या रेस्टोरेंट में भी आपने खाया होगा। दाल मखनी तो हर जगह मिलती है। अभी यहाँ हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें क्रीम का भी प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो दूध पर जो मलाई आई रहती है उसको निकाल कर आप इसमें ऐड कर सकते हो, तब भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप देख सकते हो इतना अच्छा कलर निखर कर आया है दाल का। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी यहाँ हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी से इसमें उठ का टेस्ट आएगा। थोड़ा हरा धनिया, और बटर डाल देंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है हमारी ये मखनी दाल। इतनी टेस्टी बनती है कि आप इस तरह से बनाएंगे तो बार बार आपका खाने का बनाने का मन करेगा, और खाने का बच्चे और सब बड़े मज़े से खाएंगे। अभी मैं आपको सर्व करती हूँ, सर्व करके दिखाती हूँ।